अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आज आपके साथ बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है। मैंने डस्टबिन काफ़ी दिनों से डालनी छोड़ी हुई है, तो आज शाहिद साहब की कुछ फरमाइश आई थी कि मटन कढ़ाई बना के दे दो, तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर कर लेते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैं आज ये मटन कढ़ाई किस तरह से बनाने जा रही हूँ। ये देखें जी, मेरे पास ये गोश आ गया है, ये तकरीबन 3 किलो के करीब ये मटन है मेरे पास, वो मैं कढ़ाई के अंदर डाल रही हूँ। आज मैंने कहा शाही साहब ज़रा अच्छी तरह से पेट भर के खा रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये कढ़ाई छोटी है, इसके लिए हम बड़ा बर्तन लेते हैं। ज़रा मैं बड़ा बर्तन ले लूँ तो फिर आपसे मिलती हूँ। ये ले जी, बड़ी कढ़ाई आ गई है। अब जो छोटी कढ़ाई है उसमें से गोश्त इस बड़ी वाली कढ़ाई में डाल लेते हैं। क्योंकि मैंने एक दफ़ा पहले कढ़ाई डाली हुई है, वो मुझे बार बार अभी तक उसके मैसेज आते हैं, कढ़ाई कब चेंज की। तो मैंने कहा मैं आपके सामने चेंज कर ले। तभी यही मसला था कि वो ना बर्तन छोटा हो जाए ना तो इजी रह रहा। हाँ। ये तकरीबन मैं इसमें 2 कप के करीब ऑयल के डाल दूंगी। 3 किलो है ये तकरीबन, जो ये मटन है ना मेरे पास, ये 3 किलो मटन है मेरे पास। हाँ जी, ऑयल और गोश्त इसमें शामिल करने के बाद तकरीबन ये 2 टेबलस्पून मैं इसमें नमक के शामिल कर लूँगी। ये जी मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने नमक के इसमें डाल दिए। अब हमने इसको क्या करना है, इस गोश्त को हमने कलर जब तक इसका चेंज नहीं हो जाता, हम इस गोश्त को अच्छी तरह से भून लेंगे। ये जितना बड़ा पतीला है ना उतनी बड़ी मैं हूँ, इसमें चम्मच चलाना भी एक काम है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये तो 3 किलो में 10-10 तकरीबन मैंने 20-22 किलो चिकन बनाया हुआ है। मजाक कर रही हूँ आपसे, लेकिन देखे साइज वैसे मेरे से ये बड़ा है। कभी मेहमान आ जाते हैं घर में तो बनाना पड़ जाता है, तो मैंने कहा जब बन रही है तो फिर क्यों ना मैं आपके साथ ये 3 kg मटन की रेसिपी क्यों ना शेयर कर लूँ। बस इसका मकसद है नमक डाल के, एक तो नमक जो है इसके अंदर अच्छी इस तरह से ये इसमें रख जाता है गोश्त में, और बुनाई में भी आसानी हो जाती है। फ्लेम मैंने इसके नीचे फुल की हुई है, क्योंकि मैं फुल ही मैं इसको बनाऊंगी। हाँ जी, इसमें मेरे पास कुछ साबुत गरम मसाले हैं, ये दालचीनी है तकरीबन 1, 2, 3, 4 ये 5 स्टिक हैं, ये मैं इसमें शामिल कर लूँगी, गोश्त के हिसाब से ही है ये। ये छोटी छोटी सी हैं सब्ज़ इलायची, अगर आपके पास थोड़े बड़े साइज़ की हैं तो 4 डाल ले, मैं इसमें तकरीबन 6 से 7 अदर डाल रही हूँ। मेन जो है इसको भूनना है। हाँ जी, इस गोश्त को तकरीबन मैं 15 से 20 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से भूनूंगी, और इसमें जो मैंने दालचीनी और बड़ी इलायची डाली है उसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो आपने गोश्त को लाजमी तकरीबन 15 से 20 मिनट इसको लाजमी आपने नमक के साथ गोश्त को उसमें घी में भून लेना है। ये देखें जी, गोश्त को तकरीबन मैंने 15 से 20 मिनट के लिए घी, नमक, दालचीनी और क्या है उसका बड़ी इलायची के साथ अच्छी तरह से भून लिया है। इसमें लहसुन मैंने पहले नहीं डाला था, अब देखें ये लहसुन मैंने इस तरह से चटू के अंदर पीस लिया है, ये मैं इसके अंदर डालूंगी तकरीबन 1, 2 और ये 2.5 टेबल स्पून लहसुन के मैंने इसमें डाल दिए। अगर मैं इसको पहले डाल देती तो मैं आपको बताऊं जो लहसुन है वो इसके पाइंदे में लग जाता है, जल जाता है, इसलिए मैंने अगर पहले इसको लहसुन को नहीं डाला था, ये मैंने बाद में डाला है। आप तकरीबन इसकी 2 से 3 मिनट के लिए अब इसकी लहसुन के साथ भुनाई कर लेंगे। तो आपने भी लहसुन जो है शुरू में नहीं डालना चिकन के इसके भी मटन के साथ, ये आपने जब 15 से 20 मिनट गुजर जाएं तो फिर आपने लहसुन डालना है। ये जी मैंने 2 मिनट लहसुन को गोश्त के साथ भून लिया, ये देखें लहसुन जला नहीं है, आपने ये भी ध्यान रखना है लहसुन जले नहीं। अब क्या करेंगे कि अब इसको बाहर रखेंगे,
और मैं इसमें ना मसाले शामिल कर लूँगी। मैं नमक दोबारा डालने लगी थी, ये आपने एहतियात करनी है। हल्दी डाल दूँगी तकरीबन 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून सूखा धनिया है। ये जी काली मिर्च है, ये 1 टेबल स्पून और 1/2 टेबल स्पून यानी कि 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें डाल दी है काली मिर्च। ये कुटा हुआ ज़ीरा है, ये मैं डाल दूंगी 1 टेबल स्पून। थोड़ा सा मैं इसमें पानी शामिल करूंगी ताकि मसाले जल ना जाए, ये ले लूँ। और अब इसको मैं हला दूंगी। आप यहाँ पे इसमें सुरख मिर्च डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, मैं इसमें सुरख मिर्च नहीं डाल रही, मैं मिर्च सुरख मिर्च के बगैर इसको कढ़ाई को बना रही हूँ। काली मिर्च में इसका जायका बहुत अच्छा आता है क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्चें भी ऐड करनी है, तो तकरीबन ये मिर्च काफ़ी अच्छी हो जाती है इसमें हरी मिर्च से और काली मिर्च से। यहाँ पे मसाले को भी 2 से 3 मिनट आपने भूनना है, ये नहीं कि मसाला आप डालें और उसको छोड़ दें, आपने भूनना है इसको, ये ध्यान रखिएगा। हल्का हल्का पानी डालते जाएं और इसको नमक मिर्च को भूनते जाएं। जी 3 किलो गोश्त है और ये तकरीबन 1.5 किलो मैंने टमाटर, तकरीबन नहीं परफेक्ट जो है 1.5 किलो ये टमाटर है, इसके ऊपर से मैंने छिलके उतार के इसको ये गोल गोल मैंने काट लिया है। अब ये 1.5 किलो टमाटर इसमें शामिल करेंगे और ये थोड़े से टमाटर मैं रख लूँगी, ये मैं दम पे डालूँगी, इतने से मैंने टमाटर रख लिए। अब टमाटरों को भी भून लेंगे अच्छी तरह से। क्या ख्याल है, ऐसे ही ना खा लिया जाए? टमाटर ऐड करने से उसकी शक्ल और खुशबू मज़े की निकल आई है। अब जब अगर आपके घर में मेहमान आते हैं, आप ये कढ़ाई बनाए कमाल की बनती है और आप मुझे याद करेंगे कि वाकई कोई अच्छी चीज़ अलीना ने बनानी बताई है। ये देखें जी टमाटरों ने पानी कितना ज़्यादा छोड़ दिया है। अब हमने इसके टमाटरों का पानी भी खुश करना है क्योंकि हम लोग उतना ही पानी डालेंगे जितना इसमें गोश्त गल जाए। ये टमाटरों ने कुछ भुनाई करेंगे, कुछ उसके साथ आधा गोश्त तो ऐसे ही गल जाता है, उसी हिसाब से बाद में हम पानी इसमें ऐड करेंगे। पहले टमाटरों को अच्छी तरह से भून लेंगे। ये टमाटरों का आप जितना पानी देख रहे हैं अपना, टमाटरों ने अपना पानी छोड़ा है। ये देखें जी टमाटर भी अच्छी तरह से भून चुके हैं और ये देखें सुरख मिर्च डालने की ज़रूरत नहीं है, टमाटरों ने अपना कलर छोड़ दिया, वो लग रहा है जैसे सुरख मिर्च इसके अंदर डल गई है। टमाटर भूनने के बाद ये देखें मैंने अच्छी तरह से ये जाम हो गया, यानी कि आपको कोई टमाटर इसमें नज़र नहीं आएगा। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 पाव के करीब ये दही ले लिया, दही को मैंने लेके इस तरह से अच्छी तरह से बीट कर लिया। दही को आप हमेशा बीट करके डालें। अब इसमें ये दही शामिल कर देंगे, थोड़ा सा इसमें ये पानी, ताकि दही जो है हमारी अच्छी तरह से कर जाए। और अब हमने दही को और इसको मटन को अच्छी तरह से भूनना। ये देखिए 1 बाय 1 आप चीज़ें और इसमें ऐड करते जाएं और इसको भूनते जाएं। दही को मैंने तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसमें भून लिया है। ये देखें अभी इसके दही का पानी खुश्क नहीं किया मैंने, अभी इसमें थोड़ा सा पानी है। अब इसमें मैं इतना पानी डाल दूंगी कि गोश्त हमारा गल जाए, तकरीबन आधा तो गल चुका है वो टमाटर और दही के पानी में। ये मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इसमें कितना पानी डाला है, लेकिन आपने अपने गोश्त के हिसाब से डालना है कि आपके जहाँ से गोश्त ले रहे हो वो कितनी जल्दी गलता है और कितनी जल्दी नहीं। ये देखें शक्ल देखें इसकी, ये इसका कोरमा ही, लेकिन ये प्याज के बगैर कोरमा है। इतना मज़े का तैयार हुआ है ना कि जब ये तैयार होगा सोचें कितना मज़े का होगा। तकरीबन मैं इसमें 1.5 लीटर पानी डाल दिया मैंने, ये 3 किलो में मैंने 1.5 लीटर पानी डाला है। अब इसको तकरीबन हल्की आग पे गलने तक पका लेंगे हम। मैं अब इसको कवर कर देती हूँ और इसको गलने के लिए रख देते हैं। जब बॉयल आएगा तो इसकी फ्लेम जो है वो मैं हल्की कर दूँगी।
अंदाजन कितनी देर में गल जाएगा? ये नहीं कुछ अंदाजा, पानी खुश्क होने तक ये तकरीबन जल जाएगा, तकरीबन 20 से 25 मिनट लेगा ये। ये लें जी, मैं इसको अब कवर कर देती हूँ। कवर करने के बाद इसकी फ्लेम हल्की करूंगी और इसको गला लेंगे। फिर गलाने के बाद आपसे मिलते हैं कि इसकी शक्ल कैसी निकली है। फिर बाकी का जो भी जैसे फाइनल इसको टच देना है वो भी मैं आपके साथ बाद में शेयर करती हूँ। ये देखें जी, आधा घंटा लगा है इसको और गोश्त ये गल गया है। गोश्त को आपने खड़ा खड़ा गलाना है, ये ना हो कि आप गोश्त को ज़्यादा गला दें। गोश्त आपका ऐसा होना चाहिए कि जैसे खड़ा खड़ा गोश्त है, अगर ज़्यादा गल गया तो वो कढ़ाई की शक्ल ख़राब हो जाती है। इसलिए आपने ध्यान रखना है कि आपने गोश्त को ज़्यादा नहीं गलाना। ये लें जी, ये देखें पानी भी हमारा खुश्क हो गया जितना था डाला हमने, और गोश्त भी अच्छी तरह से डल गया। अब हमने क्या करना है, हमने जो टमाटर बचाए थे और 10 अदद ये हरी मिर्चें हैं, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। 3 इंच का ये अदरक का पीस है, ये मैं इसमें अभी इसी यहाँ पे शामिल कर दूँगी। ये देखिए, शामिल करने के बाद मैं इसमें चम्मच चला लूँगी इस तरह से। ये देखें, ये फ्लेम जो है मैंने तेज़ रखी हुई है, हल्की नहीं की मैंने इसमें। ये देखें, टमाटर डालने का मकसद है कि टमाटर इस तरह से कढ़ाई में खड़े खड़े टमाटर मज़े के लगते हैं जी। ये 1 टेबलस्पून ये खुशबू के लिए, कोई भी आप कढ़ाई मसाला इसमें ऐड कर सकते हैं ये लास्ट में। हाँ जी, अभी इसको मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से। ये लें, ये इस तरह से यहाँ पे 1 टेबलस्पून के करीब मेरे पास ये गरम मसाला है, ये शामिल करूँगी। लास्ट में मैंने इसलिए शामिल किया क्योंकि एक तो डालना थोड़ा था और उसकी खुशबू फिर बड़ी अच्छी आती रहती है कढ़ाई में। आप लास्ट में टच देंगे तो बहुत अच्छी कढ़ाई मसाले की खुशबू आएगी। तो ये मैंने अकेले नहीं खाना, तेरे लिए बहुत है, जितना तू जीना है तेरे लिए तो ये काफी थोड़ी होगी। मैं इतना भी जीना नहीं। ये ले जी, मज़ेदार किस्म की हमारी कढ़ाई तैयार हो गई है, मटन कढ़ाई। आप मेरे तरीके से एक दफ़ा कढ़ाई बनाएं, देखिए और खाएं और मुझे याद करें। मेहमानों के लिए बनाएं, ये 3 kg का मैंने आपको रेसिपी दे दी है और इंशाल्लाह बहुत कमाल की बनेगी। ये हमारी कढ़ाई तैयार हो गई, अब इसका चूल्हा मैं बंद कर दूँगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। बड़े ही देर के बाद आपसे मिल रहे हैं तो मैंने कहा क्यों ना कोई मज़ेदार फिर आपके साथ रेसिपी शेयर की जाए। तो ये डोई के साथ समझाना जरूरी है? ये तुझे समझा रही है। चलो मुझे इस तरह डाल दो यार, मैं बहुत दिल कर रहा है, मुझे इसी तरह डाल दे बस। हाय, मजा ही आ गया। थोड़ी सी तरी डाल दो। तरी या मसाला? नहीं, थोड़ी तरी भी डालो, मसाला भी डालो, तरी भी डालो। बस ठहर गरम गरम लेता रहूंगा साथ साथ, अभी और नहीं डालना, सब्र कर। ओए होए, चेक करें जरा यार, कमाल ही हो गई है यार आज तो, खुशबू है कि ओए यार, उफ, मलाई कोफ्ता गोश्त हो गया ये देखिए। ओए, हाथ नहीं लग रहा साथ में। सुन के देखो जरा, तो बनाया मैंने क्यों सुन रहा है। बंदा नान के साथ और रोटी के साथ खा लेता है जो इसमें मजा है। अच्छा, मैं पता ही नहीं है। ठीक है, जो इस तरह खाने का मजा है ना, वो नान रोटी के साथ अलग चीज है, इस तरह अलग खाने का मजा है। ओके, फर्क कर, चल शाबाशी। अभी शाबाशी।
मुंह खोलो टेस्ट करो पता लगे। ना मैं नहीं गरम गरम खा सकती, मैंने मुंह नहीं चलाना। बहुत ही आला, मैं कहता हूँ आप ये रेसिपी ट्राई करना यार, मजा ही आ जाएगा कसम से। मैं कहता हूँ दुआएं दोगे यार, ये आपकी तरफ से। टाटा।